जिसको आप छिंदवाड़ा के रूप में कहते हैं, मैं आपको जैसे मैं विधानसभा से पहले आपके लिए आपके समय कहता था आपके साथ, मैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, छिंदवाड़ा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, हमारी राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का इतना बड़ा गढ़ है कि इस बार छिंदवाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में परचम नहीं फहराएगी, ऐतिहासिक विजय श्री हासिल करेगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। कार्यकर्ता के बल पर और हमारे नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस बार छिंदवाड़ा के अंदर भी परचम फहरेगा, ऐसे 29वां कमल का फूल खिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव प्रबंधन कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विधि शर्मा, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश संगठन महामंत्री दानंद शर्मा सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। कार्यालय के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मैं दोहरी खुशी के मौके पर शामिल हुआ हूं। भाजपा के लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ हुआ, अभी समाचार मिला है कि चारों जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी भाजपा की जीत है। जनसंघ के जमाने हमारा जो बड़ा विषय धारा 370 का था उसे समाप्त किया है। अब आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विधि शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें टारगेट दिया है 370 पार, हमारा लक्ष्य है हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV भोपाल।